हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। धन्यवाद। ओम। चलिए मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए लंबा गहरा श्वास एक बार फेफड़े में भरेंगे, पूरी हवा बाहर निकाल देंगे, इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ को आपस में घर्षण कर लीजिए, उंगलियां जब थोड़ी आपकी गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाएंगे, हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं, ऐसा पूरा मनोभाव के साथ करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम करेंगे। अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, टाइम लगा लीजिए, आज फिर आज इन लोगों का स्टार्टिंग है, कुछ दिन बीच में छूट गया था मात्र। चलिए ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है पहले देख लीजिए, कुछ लोग नए हैं तो देख लीजिए क्या करेंगे। लंबा गहरा श्वास फेफड़े में भरना है और श्वासों को पूरी बाहर निकाल देनी है, जितना आपको लगता है, कम से कम 5 सेकंड में श्वासों को भरना, 5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ देना। स्लो करेंगे, मीडियम करेंगे, फास्ट करेंगे, जिन लोगों को बीपी होगा वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, ये कब के लिए बहुत बढ़िया, मोटापा भी ठीक होता है और श्वास संबंधी रोग तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे, ध्यान में सिर्फ रखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एक दिव्यता आ रही है श्वासों के जरिए, और श्वासों के जरिए बाहर हमारे विकार शरीर से बाहर निकल रहे हैं, इस मनोभाव के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। Thank you.
इस तरह से आप लोग का भस्त्रिका प्राणायाम का टाइम समाप्त होता है। कम से कम आप लोग नहीं कर पाने में सक्षम है तो उतना समय के लिए आप लोग अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठे, इससे आपके बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। आपका सबसे पहला तो आपका स्पाइन ठीक हो जाता है, मेरुदंड बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उसमें ताकत आती है, आपका शरीर सुडौल बनता है। क्योंकि आजकल हमारा जो है ना पोस्चर बिगड़ता जा रहा है लोगों का, देखिए अभी नए लड़के हैं बार बार ऐसे हो जा रहे हैं, सीधा नहीं रख पा रहे हैं, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे तो बहुत सारे लाभ होंगे। तो जो भी प्राणायाम हम लोग करते हैं उसमें मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठने का प्रयास करेंगे। टाइम लगा दीजिए कपालभाति प्राणायाम के लिए, लगा दीजिए। पहले खाना तो इस तरह से परोस करके नीचे से लोग खाता था, अब ऊपर खाना है। हाँ, बहुत गलत है। अभी भी आप अगर मेरुदंड को, आइए बैठिए, श्वासों को ध्यान में रखें। अब क्या करेंगे, भस्त्रिका में क्या कर रहे थे, श्वासों को फेफड़े में भर रहे थे और पूरी श्वासों को बाहर निकाल रहे थे। अब निरंतर आपको श्वासों को बाहर निकाल देना है, कम से कम एक सेकंड में एक बार होना चाहिए। जो लोग बीमार लोग हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को दो सेकंड में भी एक बार स्ट्रोक लगा सकते हैं। और जो तीव्रता के साथ लगाना चाहते हैं वो जो है सो एक सेकंड में तीन बार भी स्ट्रोक लगाएंगे। जब आप श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो नाभि के पास आपके पेट से स्ट्रोक लगेंगे, आपके पेट अंदर की तरफ जाने चाहिए। बार बार निरंतर पेट जो अंदर जाता है, और इस तरह से अगर आप लोग कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा करते हैं, बड़े बड़े पेट वाले का पेट गल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये कपाल भाती प्राणायाम मात्र करने से, सही तरीके से अगर आप लोग कपाल भाती प्राणायाम करते हैं और 99% तक की बीमारियों को इससे खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह से करते रहेंगे, श्वासों को एक लय के साथ बाहर छोड़ना, लेने का ध्यान नहीं देना है, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है, इसी बात का सिर्फ ध्यान रखना है आप लोगों ने। चाहे समय लगा हुआ है आप लोगों का, कपालभाति प्राणायाम करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। धन्यवाद। ओम।